सबको प्रेगनेंसी एक ही बार में चाहिए, सब लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें वो एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट पता लग जाए जिससे हम ट्राई करें और हमें तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। आखिर ऐसा कौन सी ट्रिक है कि एक बार में रिलेशन बनाने से ही प्रेगनेंसी हो सकती है, इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। उसके लिए आप जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। किसी भी मंथ में आपकी कुछ फर्टाइल डेज होते हैं, जिन डेज में जब आप रिलेशन बनाते हैं तो कंसीविंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि हमें एक एग्जैक्ट डे बता दीजिए जिसमें हम ट्राई करें और हमें प्रेगनेंसी हो जाए। उसको जानने के लिए दो बेस्ट तरीके आपके पास हैं। वन इज फॉलिकुलर स्टडी, यानी कि आप एक किसी भी रैंडम साइकिल में अपने अंडे की जांच करा लीजिए, जिसको हम फॉलिकुलर स्टडी या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। ये अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही जाना जाता है। इसमें अंडों की जांच की जाती है कि आपका अंडा किस दिन अच्छे से ग्रो करके रप्चर कर रहा है। तो जब वो अंडा रप्चर करता है तो उसके 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। पर ध्यान रखिए कि उससे पहले आपने लगातार 3-4 दिन रिलेशन नहीं बनाया होना चाहिए, वरना उसमें स्पर्म काउंट की और क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है और चांसेस उसी के हिसाब से डिटोरिएट हो जाते हैं। दूसरा, आप ओव्यूलेशन किट यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके ओव्यूलेशन किट में दो लाइंस दिखती हैं, उसके 48 आवर्स के बाद अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो कंसीविंग के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। हम एज एन डॉक्टर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एक बार करवा लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा विदाउट एनी स्टिमुलेशन, यानी कि पीरियड के सेकेंड डे से आपने कोई हार्मोनल पिल्स नहीं खाई हैं। आप ये देख लीजिए आपका एक 14 डे रप्चर होता है या 16 डे रप्चर होता है, 12 डे, और उन्हीं डेज में आप ट्राई कीजिए। यकीन मानिए आपको प्रेगनेंसी जरूर हो जाएगी।